बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के हवाले से हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो वही टॉपिक जो होगा आगे आज हमारा कंटिन्यू होगा। लास्ट स्लाइड जो हमने डिस्कस की थी वो मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से हमने स्लाइड को डिस्कस किया था, तो मैंने आपको थोड़ा सा मेमोरी मैनेजमेंट का एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को किस तरह से मैनेज करता है। उसमें मैंने आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि वो मेमोरी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क पे मेंशन करता है, वो स्टोरेज जो कि हार्ड डिस्क पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन करता है कि ये जो स्टोरेज है, ये जो इतना पोर्शन स्टोरेज का है, ये एडिशनल रैम का काम करेगा, उसको वर्चुअल मेमोरी का नाम दिया जाता है। तो होता यूँ है कि जब किसी भी फाइल को प्रोसेस किया जाता है तो पहले उस फाइल के जो कॉन्टेंट्स होते हैं वो वर्चुअल मेमोरी में जाते हैं, और वर्चुअल मेमोरी से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसका रैम के अंदर आता है, क्योंकि जो रैम होती है वो ज़्यादा कैपेसिटी की नहीं होती, इसलिए रैम को मैनेज करने के लिए, मेमोरी को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह की वर्किंग जो परफॉर्म करता है। सो ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद जो सेट करता है, अगर हम इसके अंदर वेरिएशन करना चाहें तो वेरिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है तो जो वर्चुअल मेमोरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से जो वो डिसाइड कर लेता है, और वो अकॉर्डिंग टू फ्री स्पेस जो कि हार्ड डिस्क पे उस वक्त अवेलेबल होती है उसके लिहाज से जो इसको सेट किया जाता है कि हार्ड डिस्क पे कितनी स्पेस अवेलेबल है। आमतौर पे जो सी ड्राइव होती है जहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी जो वो सेट करता है हार्ड डिस्क पे, और उस वर्चुअल मेमोरी को फिर मेमोरी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे फर्दर जो एलैबोरेट करते हैं। सो कहते हैं रैम इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि रैम के अंदर जितना भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं वो सारे के सारे टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। सो वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए मेमोरी में डिफरेंट जो वो स्पेस एलोकेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रोग्राम रन किया है, लाइक जैसे ये पावर पॉइंट चल रहा है, तो पावर पॉइंट को मेमोरी में एलोकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक रैम के अंदर स्पेस प्रोवाइड की हुई है कि इतनी जो मेमोरी है वो पावर पॉइंट इस्तेमाल करेगा। इसी तरह इसके अलावा कोई और प्रोग्राम भी चल रहा है, सपोज जैसे ये रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग के प्रोग्राम के लिए भी उसने स्पेस मेंशन की हुई है कि मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर इतनी जो मेमोरी है ये जो रिकॉर्डर है, स्क्रीन रिकॉर्डर या ये जो वॉइस रिकॉर्डर है, ये इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जितने भी प्रोग्राम्स हम रन करते हैं अपने कंप्यूटर में, उन सारों को रैम के अंदर एक मेमोरी जो अलॉट करता है कि इतनी मेमोरी के अंदर इस प्रोग्राम का डेटा प्रोसेस होगा, और प्रोसेसिंग के बाद जब ये प्रोग्राम एग्जिट होगा, जब इस प्रोग्राम को क्लोज किया जाएगा, तो अगेन क्या किया जाएगा कि ये जो मेमोरी इसको अलॉट की गई है इसको डीएलोकेट भी कर दिया जाएगा। यानी ये आप एक फ्री स्पेस समझ लें जहाँ पर उस प्रोग्राम का डेटा और उसके एग्जीक्यूशन के लिए उसको रखा जाता है, और जब आप उसको क्लोज कर देते हैं तो फिर मेमोरी जो उसको अलॉट की गई होती है उसको डीएलोकेट भी कर दिया जाता है, और उसको फ्री मेमोरी तस्वर कर लिया जाता है ताकि जो दूसरे प्रोग्राम जब चलें तो फिर जो मेमोरी है
उनके लिए भी यूटिलाइज की जा सके। लिहाजा जो भी प्रोग्राम हम चलाते हैं अपने कंप्यूटर में, वो रैम के अंदर जो है उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है, और जब हम उसको क्लोज कर देते हैं तो मेमोरी दोबारा से उसको डी एलोकेट कर दिया जाता है, यानी मेमोरी जो होती है वो फ्री कर दी जाती है। सो कहते हैं कुछ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि स्टोरेज मीडियम से, यानी जो हार्ड डिस्क है उसका कुछ एरिया एलोकेट कर लेते हैं, जो कि एडिशनल रैम का काम करता है, और उसी जो वो जो एरिया है उसको वर्चुअल मेमोरी का नाम दे दिया जाता है। सो वो कहते हैं कि जब कोई भी वर्किंग परफॉर्म की जाती है तो जो हार्ड डिस्क का एरिया है जो कि वर्चुअल मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ से जो हमारी फाइल्स होती हैं इनको स्वैप किया जाता है, यानी जो वर्चुअल मेमोरी है यहाँ से फाइल्स को, छोटी छोटी फाइल्स को भेजा जाता है रैम के अंदर। तो वो कहते हैं कि इस सारे प्रोसेस को स्वैप फाइल का नाम दिया जाता है। तो कहते हैं इट इज़ यूज टू एक्सचेंज द डेटा इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन द मेमोरी एंड द हार्ड डिस्क। द अमाउंट ऑफ डेटा एंड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन स्वैप एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पेज। तो वो कहते हैं कि वो अमाउंट जो कि एक वक्त में वर्चुअल मेमोरी से मेमोरी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है उसको पेज का नाम दिया जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस है, ये वर्चुअल मेमोरी और मेमोरी के दरमियान, यानी जो रैम के दरमियान जो पेजेस स्वैप होते हैं, इस सारी टर्मिनोलॉजी को पेजिंग का नाम देते हैं। यानी पेजिंग के थ्रू, पेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें के वर्चुअल मेमोरी से वन बाय वन पेजेस ट्रांसफर होते हैं रैम के अंदर, और रैम से जो फिर सीपीयू जो उनको प्रोसेस करते हैं, और जब वो प्रोसेस कर लेते हैं तो वो पेजेस रैम से निकाल दिए जाते हैं और फर्दर जो हार्ड डिस्क पे पेजेस हैं वर्चुअल मेमोरी पर उनको दोबारा से जो है रैम के अंदर भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। तो ये जो सारी टेक्निक है इसको पेजिंग का नाम दिया जाता है। सो पेजिंग की मदद से मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सो कहते हैं सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पेजेस स्वैप करने पे ज्यादा टाइम लगता है जबकि प्रोसेसिंग पे बहुत कम टाइम लगता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन को थ्रेशिंग का नाम दे दिया जाता है। यानी जब बहुत छोटे छोटे पेजेस बने हैं और उनमें डेटा जो वो कम है तो वो ज़्यादा टाइम जो वो स्वैपिंग करते हुए जो वो गुजार दिया उसने, जबकि प्रोसेसिंग जो वो बहुत कम टाइम की थी। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसको थ्रेशिंग का नाम दिया जाता है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पर ये सारा जो प्रोसेस है इसको ग्राफिकली एलैबोरेट किया गया है। वह कि ये हार्ड डिस्क है और यहाँ पर आपकी वर्चुअल मेमोरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड की है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यहाँ पर 5 GB की जो हो उसने हमारी जो डिस्क है वो 50 GB की है या 100 GB की है। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने 5 GB या 10 GB जो हो उसने वर्चुअल मेमोरी का एरिया जो वो एलोकेट कर दिया है, तो उस एरिया से जो जब हम किसी प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो जो वर्चुअल मेमोरी है वहाँ पर पहले उस प्रोग्राम को लोड किया जाता है और उस प्रोग्राम का डाटा पेजेस की सूरत में, पेजेस का भी साइज होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो डिफाइन करता है कि एक पेज का साइज कितना होगा। सो वो जो पेज है उसको रैम के अंदर भेजा जाता है, इसको स्वैप इन का नाम दिया जाता है, और रैम से जो वो प्रोसेसर वो पेजेस जो वो एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो पेजेस रैम से स्वैप आउट कर दिए जाते हैं। सो ये सर्कल जो वो इसी तरह से चलता रहता है जब तक कि सारी की सारी फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो इस तरह से जो कम मेमोरी है उसको वर्चुअल मेमोरी की मदद से
मैनेज किया जाता है, और इसकी जो मैनेजमेंट है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है जॉब स्केजुलिंग। सो कहते हैं जॉब स्केजुलिंग में क्या होता है, वो कहता है कि हर वो ऑपरेशन जो कि हम कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करते हैं इसको जॉब का नाम दिया जाता है। सो कहता है कि देयर मे बी मेनी जॉब्स टू एग्जीक्यूट सच एज एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, गेटिंग इनपुट एंड आर डिस्प्लेइंग द आउटपुट। तो बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उस वक्त एग्जीक्यूट हो रही होती हैं एट ए टाइम कंप्यूटर के अंदर। कहीं कोई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, कहीं पे इनपुट ली जा रही है, कहीं पे आउटपुट जो है वो आपको डिस्प्ले की जा रही है। तो इस तरह की मुख्तलिफ तरह की जो जितनी भी वर्किंग आप कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो बेसिकली टास्क हैं, और उस टास्क को ही जॉब का नाम दिया जाता है। सो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिन द ऑर्डर इन विच दीज जॉब्स आर प्रोसेस्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑर्डर जो इनका डिसाइड करता है कि पहले कौन सी जॉब जो है एग्जीक्यूट की जाएगी, उसके बाद कौन सी जॉब एग्जीक्यूट की जाएगी। सो कहते हैं मेनी स्केजुलिंग मैकेनिज्म्स आर यूज्ड सच एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड प्रायोरिटी स्केजुलिंग। सो इस पर्पज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स को यूज करता है, नंबर ऑफ टेक्निक्स को यूज करता है। दो तीन टेक्निक्स के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मुमकिन है कि कुछ इस तरह का स्केजुलिंग एल्गोरिथम यूज किया जाए कि जो जॉब पहले आई, यानी जो टास्क यूजर ने पहले परफॉर्म करने के लिए कहा वो पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाए, जो बाद में कहा वो बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी उसका एक ऑर्डर लगा लिया जाता है। फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से मुराद ये कि जो ऐसी प्रोग्राम्स, ऐसी जॉब्स जिनका एग्जीक्यूशन टाइम कम है उनको पहले जो प्रोसेस किया जाए, जबकि जिनका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है उनको बाद में प्रोसेस किया जाए, इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का नाम दिया जाता है। फिर प्रायोरिटी स्केजुलिंग है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग में जो हम टास्क कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं उनकी हम प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं कि ये जो टास्क है ये हाई प्रायोरिटी है या ये टास्क ये लो प्रायोरिटी है। सो इस तरह से वो कहते हैं प्रायोरिटी स्केजुलिंग भी परफॉर्म की जाती है, और भी इसमें कई हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स हैं जिनमें राउंड रॉबिन है, जिसमें टाइम शेयरिंग को जो यूज़ किया जाता है। सो ये एक अलग से सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें इसकी डिटेल मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको बताना था कि जॉब्स को स्केजुल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्केजुलिंग एल्गोरिथम, एक स्केजुलिंग मैकेनिज्म जो वो इस्तेमाल करता है, और उसकी मदद से हमारी सारी सारी जॉब्स को हैंडल किया जाता है। ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी जॉब जो कब एग्जीक्यूट करनी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपकी क्लासेस के जो टाइम टेबल्स बनाए जाते हैं कि आपने किस दिन कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टडी करना है, बिल्कुल वैसे ही कहता है जब हमारे पास प्रोसेसर एक है और उसके पास बेशुमार जो वो एग्जीक्यूट करने के लिए जॉब्स हैं, तो फिर वहाँ पर स्केजुलिंग की ज़रूरत पड़ती है। शुरू कहते हैं समटाइम ऐसा होता है कि जो डिवाइस है जिस पर आपने, जिसको आपने एग्जीक्यूट करने के लिए जॉब दी है, वो उस वक्त बिजी होती है, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि फिर उस वक्त क्या किया जाता है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर प्रिंटर की एग्जांपल ली गई है कि फर्ज कर लें कि एक प्रिंटर है और वो उस वक्त प्रिंटिंग परफॉर्म कर रहा है जब आपने उसको एक और फाइल जो प्रिंट करने के लिए दे दी, तो फिर उस सूरत में क्या होगा। तो वो कहते हैं कि जब भी कोई न्यू जॉब क्रिएट होती है तो वो न्यू जॉब मेमोरी का एक एरिया है जिसको बफर कहा जाता है, वहाँ पर जाके स्टोर हो जाती है, यानी जितनी हमारी डिवाइसेस हैं हर डिवाइस का एक बफर होता है, और उस डिवाइस को जब कोई भी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए दी जाती है तो वो उस डिवाइस के बफर के अंदर स्टोर हो जाती है। बफर यानी कि जो टेम्परेरी मेमोरी एरिया है उस डिवाइस का, वहाँ पर जाके वो स्टोर हो जाती है। सो कहते हैं फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारे पास तीन प्रिंटिंग जॉब्स हैं और प्रिंटर जो है
वो एक वक्त में एक ही जॉब कंप्लीट करेगा, वो तीनों इकट्ठी तो नहीं कर सकता। आपने अक्सर देखा होगा प्रिंटर जब एक पेपर प्रिंट आउट कर रहा है तो अगर आपने एक फाइल उसको दे दी और वो फाइल जो है वो 25 पेजेस की है तो पहले वो 25 पेजेस जो प्रिंट आउट होंगे, उसके बाद अगली फाइल जो है वो प्रिंट आउट होना शुरू होगी। ऐसा नहीं होता कि एक जॉब अभी कंप्लीट नहीं हुई और वो साथ ही दूसरी जो फाइल है उसको भी बीच में प्रिंट आउट करना शुरू कर दें। सो वो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड द नेक्स्ट टू जॉब्स इन द बफर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगली जो दो जॉब्स हैं वो उस प्रिंटर का जो बफर है यानी उसका जो टेम्परेरी एरिया है, जो उसकी मेमोरी है, जो उसकी रैम है अपनी, वहां पर जाके वो जो हमारी जॉब्स होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं। सो वो कहते हैं कि ये जो वो जो जॉब्स वहां पर जाके स्टोर होती है इसको स्पूलिंग का नाम दिया जाता है। तो कहते हैं जॉब्स इन द बफर इज सेट टू बी अ क्यू। उसको क्यू भी कहा जाता है कि एक क्यू जो वो बन गई है और इस क्यू के अंदर जो हमारी ये सारी सारी जॉब्स हैं और ये एक सीक्वेंस के साथ जो प्रिंट आउट होंगी। यहाँ पर इसी स्लाइड को जो एलैबोरेट किया गया है, तो व्हेन द प्रिंटर कंप्लीट द फर्स्ट जॉब इट गेट द नेक्स्ट जॉब फ्रॉम द बफर एंड एग्जीक्यूट इट। ये देखें कि एक पिक्चर जो आपको दिखाई गई है जिसके अंदर वो जॉब्स हैं जो कि वन बाई वन जो वो एग्जीक्यूट होनी है। तो ये पहले नंबर पर दी गई थी, ये उसके बाद दी गई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो ये प्रिंटर का स्पूलर है, प्रिंट स्पूलर इसको कहा जाता है, यानी ये प्रिंटर का बफर एरिया है जहां पर ये जॉब्स को स्टोर कर दिया जाता है और प्रिंटर जब पहली जॉब को कंप्लीट कर लेता है तो फिर अगली जॉब को यहीं से गेट कर लेता है। तो इस तरह से वन बाई वन जो वो उससे जो वो गेट करता जाता है और फिर वो वहां से एग्जीक्यूट होती जाती है। तो इस तरह से वो कहता है कि जो जॉब्स हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शनैलिटी आती है वो है डिवाइस कंट्रोलिंग की, कि डिवाइसेस को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिवाइसेस को किस तरह से कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। हार्डवेयर डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर डिवाइस को डिवाइस ड्राइवर की मदद से हैंडल करता है। जितनी भी डिवाइसेस हमने कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगाई होती हैं, हर डिवाइस के ड्राइवर्स हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए होते हैं। कुछ डिवाइसेस के जो ड्राइवर्स हैं वो ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड होते हैं और कुछ के जो वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो कि विंडोज़ के अंदर मौजूद नहीं होते। ड्राइवर बेसिकली क्या है? ड्राइवर एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि तुमने इस डिवाइस के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो जो उस डिवाइस के मैन्युफैक्चरर हैं वो डिज़ाइन करते हैं। अगर एक प्रिंटर एचपी का है तो एचपी की जो ब्रांड है उस प्रिंटर के ड्राइवर्स भी जो वो बनाती हैं। इसी तरह से एक स्कैनर है तो उस स्कैनर के जो ड्राइवर्स हैं वो भी वो जो ब्रांड है जिसने स्कैनर बनाया है वो उसके ड्राइवर्स भी बनाती है। सो पहले पहले ये होता था कि किसी भी डिवाइस के जो ड्राइवर्स थे उस डिवाइस के साथ एक डिस्क मिलती थी और उस डिस्क में उस डिवाइस के ड्राइवर्स मौजूद होते थे। जब हम फ्रेश विंडो इंस्टॉल करते थे तो हम वन बाई वन उस डिस्क से ड्राइवर्स जो इंस्टॉल करते थे और वो जो ड्राइवर्स थे वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बनते जाते थे। फिर जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी होती थी तो उन्हीं डिवाइस ड्राइवर्स की मदद से उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता था। आजकल जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि जिनके ड्राइवर्स ऑलरेडी जो विंडोज के अंदर मौजूद हैं। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे एलैबोरेट करते हैं। अभी डिवाइस कंट्रोलिंग की जो स्लाइड है उसमें वो कहता है कि हर डिवाइस के अपनी सेट ऑफ कमांड्स और उसकी अपने जो वो रिक्वायर्ड और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो मौजूद होते हैं, ड्राइवर्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो जो डिवाइसेस उसके साथ अटैच होती हैं या जो ड्राइवर्स उसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं वो ड्राइवर्स भी जो वो साथ ही कंप्यूटर को बूट करते हुए लोड कर दिए जाते हैं। सो वो कहता है कि डिवाइस जिसके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है वो डिवाइस वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी।
ये बात अंडरस्टूड है। अगर डिवाइस कोई आपने ऐसी नई डिवाइस लगा लिया और उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए तो वो वर्किंग नहीं करेगी, आपको उसके ड्राइवर्स का जो प्रोग्राम है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। सो वो कहता है कि विंडोज के अंदर जो ड्राइवर प्रोग्राम की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन DRV होती है। वो कहते हैं जो लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस के ड्राइवर्स ऑलरेडी मौजूद है। जब हम नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी डिवाइसेस के ड्राइवर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ड्राइवर्स उसके अंदर मौजूद नहीं होते। जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो जो होते हैं मौजूद उसमें वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन वो जिन डिवाइसेस ऐसी यूनिक डिवाइसेस जिनके ड्राइवर्स विंडोज की डिस्क के अंदर मौजूद नहीं थे, अब वो इंस्टॉल नहीं हुए। तो फिर जब आप उस लिस्ट में से कोई डिवाइस आप कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे जिसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो वो डिवाइस प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगी। विंडोज आपको मैसेज देगी कि आप मैनुअली CD से या इंटरनेट से या कहीं से भी या फ्लॉपी से आप इस डिवाइस के ड्राइवर्स इंस्टॉल करें ताकि मुझे पता चले कि मैंने इस डिवाइस के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है। सो वो कहते हैं कि जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं उसको प्लग एंड प्ले का नाम भी दिया जाता है। वो कहता है प्लग एंड प्ले ऑटोमेटिकली कन्फिगर न्यू डिवाइसेज एज यू इंस्टॉल देम। कुछ ऐसी डिवाइसेज होती हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं और वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उनको डिटेक्ट करता है और उनकी सेटिंग्स परफॉर्म कर देता है। सो बाकी वो जिनको जिनकी सेटिंग्स वो परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी उनके ड्राइवर्स हो वो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं है, वो आपको मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है एक्सेसिंग द वेब, कि वेब को एक्सेस करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बता कि हम इंटरनेट से जो वो कनेक्ट हो सकते हैं, सो वो जो कनेक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो हमें प्रोवाइड करना है। इट गाइड द यूजर टू सेटअप द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप जब वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो आपसे ऑथेंटिकेशन की जो वो डिमांड करता है आप उसमें एंटर करते हैं और फिर वो आप उसको सेव कर देते हैं तो वो सेव हो जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेसिकली वाया वाईफाई कार्ड आपके कंप्यूटर को उस रूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वेब ब्राउजर एंड ईमेल प्रोग्राम। तो हमारे बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि हमें वेब ब्राउजर की फैसिलिटी भी देते हैं और ईमेल सेंड रिसीव करने की फैसिलिटी भी देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है परफॉर्मेंस मॉनिटर, कि मॉनिटर को किस तरह से मॉनिटर की जो परफॉर्मेंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो वर्किंग कर रहा है इस सारी वर्किंग को मॉनिटर करने के लिए भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटीज हैं। सो वो कहते हैं कि ये सारी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास टूल मौजूद है। लाइक आप डिस्क को मॉनिटर करना चाहते हैं, आप मेमोरी को मॉनिटर करना चाहते हैं, CPU की वर्किंग को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो ये मॉनिटरिंग टूल्स भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। अ परफॉर्मेंस मॉनिटर इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेस दैट असेस एंड रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड द डिवाइसेस। तो ये हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाके इस परफॉर्मेंस मॉनिटर को जो वो चेक कर सकते हैं, हमारी करंटली कितनी मेमोरी जो वो रिजर्व हो चुकी है, CPU की जो फंक्शनलिटी है वो कैसी चल रही है, CPU कितना बिजी है, कितना आइडल है, कौन कौन से प्रोसेसेस जो वो चल रहे हैं, तो ये सारी जो वर्किंग है वो हम परफॉर्मेंस मॉनिटर से जो वो चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी सर्विसेज आती हैं वो फाइल्स को मैनेज करने के लिए आ जाती हैं। वो कहते हैं हाउस कीपिंग सर्विसेज कौन सी होती हैं। वो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम performs different functions related to storage and file management by using the special programs known as file manager. यानी file manager को इस्तेमाल करते हुए हमारी files को manage किया जाता है, और ना सिर्फ files को manage किया जाता है बल्कि वो कहता है जो हमारे computer के अंदर hard disk हमें नज़र आ रही है और उस hard disk की
मुख्तलिफ हमने छोटी छोटी पार्टीशंस की हुई हैं, लाइक ये हम कह देते हैं कि ये सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है, ये ई ड्राइव है, बेसिकली होती वो एक ही ड्राइव है, लेकिन हमने उसकी लॉजिकली पार्टीशन जो उसकी सेट की होती है कि इतनी जो पार्टीशन है इसको ए नाम दे दिया जाएगा, इसको सी नाम दे दिया जाएगा, इतनी जो पार्टीशन है इसको डी दे दिया जाएगा, इतनी पार्टीशन को ई नाम दे दिया जाएगा। जितनी छोटी पार्टीशन होगी उतना ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको मैनेज करना आसान होगा, जितनी बड़ी होगी उसमें उतना ज़्यादा डेटा होगा, उतना ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। लिहाजा हम अकॉर्डिंग टू नीड अपने कंप्यूटर के अंदर जो हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है हम उसकी पार्टीशंस जो सेट करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमने सी ड्राइव पे ज़्यादा हैवी प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने हैं तो हम उसका साइज़ 100 GB सेट कर लेते हैं और बाकी जो ड्राइव्स हैं उनका 50 GB जो वो सेट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हम उसकी पार्टीशन बनाते हैं। सो वो कहते हैं फॉर्मेटिंग एंड कॉपिंग द डिस्क। फॉर्मेटिंग बेसिकली फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने हार्ड डिस्क को वर्किंग के काबिल बनाते हैं, यानी जो मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क पे ट्रैक्स और सेक्टर्स और जो मैंने आपको बताया था कि ये सिलेंडर्स बने हुए होते हैं और ये सारी वर्किंग जो है ये हार्ड डिस्क पे, अगर आप अपना डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो ये हार्ड डिस्क जो फॉर्मेटेड होनी चाहिए। तो फॉर्मेट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हार्ड डिस्क को वर्किंग के काबिल बनाया जाता है, यानी उसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स जो बनाए जाते हैं। सो अगर आपने अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट जब किया जाता है तो प्रीवियस डेटा सारा का सारा रेज हो जाता है और नए सिरे से उसके ट्रैक्स और सेक्टर्स बनाए जाते हैं। सो अगर आपने फॉर्मेट करना है तो मेक श्योर कर लें कि उस पर कोई आपका प्रीवियस डेटा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। और बड़ा आसान सा तरीकेकार है, आप माई कंप्यूटर को ओपन करें, जो आपको सी डी ई एफ जी एच जो भी नज़र आ रहा है उस पर राइट क्लिक करें और आपको वहाँ पर फॉर्मेट की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आप इस ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं, यस करेंगे तो फॉर्मेट कर दिया जाएगा और प्रीवियस डेटा जितना भी होगा उस हार्ड ड्राइव पर वो सारा का सारा अरेज कर दिया जाएगा। अरेज हो गया तो वो दोबारा से रिकवर नहीं होगा। रिकवर करने के लिए स्पेशल फिर हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं और उनकी मदद से जो हम अपना रेस्ट डेटा रिकवर करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे का सारा डेटा रिकवर हो। तो इसलिए मेक श्योर कर लें कि आप जब फॉर्मेट करेंगे तो प्रीवियस डेटा सारा का सारा रेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है डिस्प्लेइंग लिस्ट ऑफ फाइल्स। माई कंप्यूटर का आप ओपन करें, आप सी ड्राइव पर डबल क्लिक करें तो आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स हो वहाँ पर सी ड्राइव की मिल जाती हैं। आप वहाँ पर अगर फ्री स्पेस को चेक करना चाहते हैं आप किसी भी सी ड्राइव पे या डी ड्राइव पे राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दें तो आपको उस हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ में फ्री स्पेस और जो स्पेस यूज़ हो चुकी है वो सारी जो आपको वहाँ पर डिस्क की सूरत में जो वो दिखा दी जाती है। फिर वो कहता है ऑर्गेनाइज करना है आपने फाइल्स को, कॉपिंग आपने फाइल्स को कॉपी करना है, रीनेम करना है, डिलीट मूव सॉर्टिंग द फाइल्स, ये सारी वर्किंग जो फाइल मैनेजर है वो परफॉर्म करता है। मुख्तलिफ तरह के जो शॉर्टकट्स हैं मुख्तलिफ ड्राइव्स के और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के और मुख्तलिफ फाइल्स के जो शॉर्टकट्स हैं वो भी इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारी सर्विसेज को हाउसकीपिंग सर्विसेज का नाम दिया जाता है। ऑटोमेटिक अपडेट है। आप में से जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर है वो अक्सर देखते होंगे कि इस तरह की एक अपडेट जो वो ऑन होती है और ये विंडोज़ की अपडेट होती है कि अगर आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो आप अगर विंडोज़ को ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर लें। सो विंडोज़ की अपडेट जब भी इनेबल होगी वो डाउनलोड जो वो करके रख लेगा और फिर आपको वो मैसेज दे देगा कि फ़लाँ अपडेट जो वो मौजूद है, क्या आप इसको जो इंस्टॉल करना चाहते हैं। जब आप यस करेंगे तो वो सारी की सारी जो अपडेट्स होंगी वो इंस्टॉल कर दी जाएंगी और विंडोज़ को अपडेट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से आ जाता है कि नेटवर्क को कंट्रोल करता है। वो कहता है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कहा जाता है NOS, और ये नेटवर्क की सपोर्ट के लिए जो वो बनाए जाते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, ये हम सेकेंड लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे। सो वो कहता है कि डिफरेंट यूज़र्स को, मल्टीपल यूज़र्स को
मुख्तलिफ तरह की एक्सेस प्रोवाइड करना और उनके दरमियान रिसोर्सेज को शेयर करना, ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी वर्किंग होती है। तो कहते हैं रिसोर्सेज में जो हमारे प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, हमारी फाइल्स आ जाती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाती हैं, लाइक जैसे प्रिंटर है, सी रोम है, हार्ड डिस्क है। तो अगर आप इन डिवाइसेस को डिफरेंट यूजर्स के दरमियान जो शेयर करना चाहते हैं, आप इनको शेयर भी कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को शेयर कर सकते हैं, और फर्दर जो हमारी फाइल्स हैं उनको भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी के हवाले से आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपने डेटा के साथ साथ आपने सिक्योरिटी को भी जो यकीनी बनाना होता है, उसको मैनेज करना होता है। वो किस तरह से मैनेज करता है? वो कहता है कि आप जब भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को रन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने से पहले आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड की डिमांड करता है। तो वो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो भी बेसिकली उसकी सिक्योरिटी के हवाले से होता है। अगर आप वो रॉन्ग यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो लॉगिन जो वो नहीं करता और आपको उस यूज़र का जो डेटा और उसकी जो फाइल्स हैं वो हमें नहीं दिखाता।